वहीं यूपी के गाजियाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर डासना जेल में कैदी तिरंगे बना रहे हैं, और यह उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जहां पर कैदियों ने तिरंगे बनाने शुरू कर दिए हैं। जेलर के मुताबिक इन सभी कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन कैदियों ने तिरंगे बनाना शुरू कर दिया। मेरठ की एक संस्था ने सभी कैदियों को प्रशिक्षण दिया, वहीं अभी तक 6,000 से ज्यादा तिरंगे बना चुके हैं। देखिए, जैसा कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और इसके अंतर्गत हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें 11 से 17 के बीच में आवासीय परिसरों में ध्वजारोहण होना है। बाहर आवासीय परिसरों में अधिक मात्रा में ध्वजों की आवश्यकता होगी, साथ में जैसे कर्मचारी हैं उनके आवासों पे और बंदी रहते हैं उनके बैरकों पे। ये एक राष्ट्रीय पर्व है और इस सब को देखते हुए हमें विचार आया कि हमारे यहाँ टेलरिंग यूनिट है और सिलाई जानने वाले बंदी हैं, तो हम लोगों ने ध्वज बनाने का सोचा और हमने एक संस्था जो एक फैक्ट्री है मेरठ में स्थित, उनको बुलाया और बंदियों को प्रशिक्षित कराया। वो संस्था जो है केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी वो ध्वज तैयार करती है।